हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल अशरफ ऑटो पर। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम। तो बाइक के अंदर क्या होता है कि अभी BS6 बाइक जो है वो आ चुकी है, और आने के बाद क्या है कि अगर हम उनकी सर्विस करते हैं, किसी सेंसर के सॉकेट को हम छेड़ देते हैं, तो उसके अंदर जो है इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद अगर हम OBD स्कैनर की मदद से इंजन चेक लाइट हटाते हैं तो वो हट जाती है। लेकिन आज मैं आपको बिना OBD स्कैनर की मदद के इंजन चेक लाइट हटाकर दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को स्पीक ना करें, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। तो हमारे पास में जो है ये प्लाटिना ES बाइक है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसकी आज मैं आपको इंजन चेक लाइट हटाकर दिखाने वाला हूं। तो आइए हमारे पास। तो देखिए, ये प्लाटिना ES बाइक है और अभी ये बिल्कुल ओके है। देखिए, इसके अंदर ये वाली इंजन चेक लाइट होती है और स्टार्टिंग होने पे लाइट जो है बंद हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करके। ये देखिए, अभी मैंने इसको स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद जो है ये लाइट बिल्कुल बंद हो चुकी है। अगर हम किसी भी सेंसर के साथ इसकी छेड़खानी करेंगे सर्विस पे, तो उसके अंदर क्या है कि इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं आपका इसका इंजन, जो इंजन वाला सेंसर होता है ये वाला, मैं इसका सॉकेट हटा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने सॉकेट को हटा दिया है, और हटाने के बाद ये देखिए मैंने चाबी को ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद अभी इसके अंदर जो है इंजन चेक लाइट समस्या आने लगी है। स्टार्टिंग पे बिल्कुल भी इंजन चेक लाइट इसकी नहीं हट पा रही। तो आपको मैं सॉकेट लगा के दिखा देता हूँ। अगर आप फिर से सॉकेट लगा दोगे तो प्रॉब्लम हमारी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, फिर से ऐसा ही होगा। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी भी इसके अंदर जो है इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं अब आपको मेन बात बताने वाला हूँ कि बिना OBD स्कैनर के इंजन चेक लाइट कैसे हटाएं। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमें इसकी सीट को जो है वो ओपन करना होगा। तो चलिए, इसकी सीट को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने इसकी सीट को जो है ओपन कर लिया है, और ओपन करने के बाद क्या है कि हमारे पास में जो पीछे की साइड में यहाँ पे CDI यूनिट लगा होता है, ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोला जाता है CDI यूनिट। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले इसके सॉकेट को जो है यहाँ पे निकाल देना है। देखिए, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने इसके सॉकेट को निकाल दिया है, और निकालने के बाद हमें चाबी को जो है ऑन कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने चाबी को ऑन किया, ना तो इसके अंदर अभी इंजन चेक लाइट आ रही है, ओनली सिर्फ न्यूट्रल लाइट आ रही है। उसके बाद हमें सॉकेट को यहाँ पे लगा देना है। देखिए, अभी मैं इसके सॉकेट को यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमने सॉकेट को इसके लगा दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और फिक्स करने के बाद अभी इसके अंदर जो है इंजन चेक लाइट आ चुकी है। तो उसके बाद हमें 2 सेकंड के लिए यहाँ पे चाबी को ऑफ करना है, 2 सेकंड के बाद ऑन करके सेल्फ को चालू कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सेल्फ को चालू किया, लेकिन ये हटी नहीं। मैं आपको रिटर्न करके दिखा देता हूँ दोबारा से। ये देखिए, यहाँ पे चाबी को ऑन किया, और ऑन करने के बाद फिर से सॉकेट को हटा देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे हटा दिया है, और उसके बाद हमें यहाँ पे सॉकेट को फिर से लगा देना है। देखिए, ये यहाँ पे मैंने सॉकेट को लगा दिया है, और लगाने के बाद अभी मैं इसकी चाबी को ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, तो अभी हमारी इंजन चेक लाइट जो है वो हट चुकी है गाइस। तो हमने जो है बिना OBD स्कैनर की मदद के इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम जो है वो हटा दिए। बाई चांस क्या होता है कि किसी मैकेनिक के पास OBD स्कैनर नहीं होता, तो ना होने की वजह से इंजन चेक लाइट जो है वो हटा नहीं पाता। सभी बाइक के अंदर ये CDI यूनिट होता है, इसकी मदद से आप इंजन चेक लाइट प्रॉब्लम को हटा सकते हो। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको मेरी वीडियो।